में देखिए कितना तगड़ा इसका, यहाँ पे देखिए एक क्लिक का आपको मिल सकता है 11,128 रुपए। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवांकर, आप देख रहे हैं शिवा इन द टेक। और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कि बेस्ट जो गूगल कीवर्ड होते हैं उनको सर्च करने के लिए कौन सा टूल है और आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाला है। आज मैं डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में बात करने वाला हूँ जो एक फ्री का टूल है जिसमें आपको एक रुपये भी इन्वेस्ट नहीं करने, लेकिन आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगा जो एग्जैक्ट गूगल में हो रहा है। एग्जैक्ट आपको वो पता चल जाएगा कि किस तरीके से वो कीवर्ड रैंक हो रहा है, कितना उसमें वॉल्यूम है यानी कितना ट्रैफिक उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, कितनी सीपीसी मिल जाएगी यानी कि एक क्लिक का कितना पैसा आपको मिल जाएगा। और आज हम थोड़ी सी एडवांस लेवल में भी उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल में उसमें किस तरीके से काम करना है। तो यार आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट कर देने का कोई कन्फ्यूजन होता है गूगल कीवर्ड प्लानर से रिलेटेड तो मेरे को आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई बहुत जल्द कर दूंगा जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है। विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। बात कर लेते हैं कि अब आपको काम किस तरीके से करना है, तो चलते हैं डायरेक्टली मेरे लैपटॉप की तरफ। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सर्च करना है गूगल में गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। तो जैसे आप गूगल कीवर्ड प्लानर टूल को सर्च करते हैं उसके बाद आपको इस पे जाना है, इस वाले लिंक पे कीवर्ड प्लानर गूगल एडसेंस, तो आप आ जाएंगे इस वाले पेज में। उसके बाद आपको जाना है गो टू कीवर्ड प्लानर, फिर या तो साइन इन कर सकते हो, उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ आ जाएंगे। वो इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अब चलते हैं डायरेक्टली इस वाले आइकन पे टूल एंड सेटिंग्स, यहाँ पे से आपको सेलेक्ट करना है कीवर्ड प्लानर। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं फिर आपके लिए एक नया इंटरफेस खुल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यार आपको इस तरीके से मिले क्योंकि ये नया वाला आ चुका है, मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया। तो हम चलते हैं यहाँ पर, आपको ये दो ऑप्शंस दिखते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट। तो ये फ्यूचर के लिए है, अभी हम फिलहाल इसको यूज़ करेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड। सपोज़ हमारा कोई कीवर्ड है, हमारा कीवर्ड है, हम यूज़ कर लेते हैं अभी क्या चल रहा है, हम स्मार्टफोन यूज़ कर लेते हैं, हम रेडमी यूज़ कर लेते हैं। सपोज़ हमारा जो नीच है वो टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है, टेक्नोलॉजी में भी आपको सेपरेट सेपरेट चीज़ें मिल जाती हैं। सपोज़ कर लीजिए आपका जो नीच है वो है लैपटॉप, आप लैपटॉप से रिलेटेड कोई कंटेंट लिख रहे हैं। उसके बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारी लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है और कंट्री इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। आप यहाँ से आपको जिस पर्टिकुलर कंट्री के सर्चेज देखने हैं, जिस पर्टिकुलर कंट्री को आपको टारगेट करना है, उसको आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना होगा। अभी मैं इंडिया को आपको करके दिखाता हूँ, पहले हम इंडिया पर चलते हैं फिर करते हैं गेट रिज़ल्ट्स। जैसे हम यहाँ पर गेट रिज़ल्ट्स करते हैं, अब आप यहाँ पर देखेंगे, आपको वे एग्जैक्ट दिखाता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लैपटॉप जो पर्टिकुलर कीवर्ड है इसके सर्चेज हाई है, इसके सर्चेज जो इसमें कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सर्चेज हैं इसके 100K से लेके 1 मिलियन तक, बट जो इसका कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अभी मैं आपको इसका एग्जैक्ट गूगल में भी दिखाता हूँ कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कितने लोगों ने आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो चलते हैं हम google.com पे चलते हैं, मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल के एंटर कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं इसके जो ओरिजिनल रिज़ल्ट हैं वो इतने सारे रिज़ल्ट हैं। अब इतने रिज़ल्ट में आप इतने जल्दी इंडेक्स नहीं हो पाओगे, तो आपको करना क्या है, आपको यूज़ करने हैं लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स। तो यहाँ पर अभी सारे हाई मीडियम हाई मीडियम हाई मीडियम वाले कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर अगर रेंज देखते हैं बिड की, यानी कि आपको एक क्लिक का कितना मिल सकता है, वो ये है मिनिमम एंड मैक्सिमम। अगर इंगेजमेंट ज़्यादा अच्छी रही तो $51 तक मिलेगा, अगर यहाँ पर से आपकी हाई रही तो आपको 186 मिलेगा। इस हिसाब से यहाँ पर सारी की सारी जो अमाउंट है वो मेंशन की गई है। अब अगर आप डेल इंस्पायर में जाते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक क्लिक का अगर फुल इंगेजमेंट होती है 781 रुपीज़ एक क्लिक का आपको देखने को मिल जाता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि सबसे हाईएस्ट बिड कितनी है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एग्जैक्ट दिखा देगा। ये देखिए आप 10 रिज़ल्ट हैं इसके, लेकिन एक क्लिक का आपको 3933 रुपीज़ देखने को मिल जाएगा। तो आप देखेंगे अगर दूसरे रिज़ल्ट की बात करता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इतने हाई सीपीसी के कीवर्ड्स मिल जाते हैं। इस तरीके से आप यहाँ कीवर्ड ढूंढ सकते हो, बट आप इनका सर्चेज देखोगे
इनके कंपटीशन देखोगे तो यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और मीडियम है, तो यानी इसमें रैंक करना इतना इजी नहीं है। तो आपको सर्च करना है पर्टिकुलर चीज़ें जो आपको लगता है यार कि आप जिसमें इजीली रैंक कर सको। तो मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया है लो कीवर्ड, यानी लो कंपटीशन वाले जो कीवर्ड्स हैं वो मेरे को यहाँ पे सिर्फ दिखाई देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें 1000 से 10000 का जो है हमारे रिजल्ट है, वॉल्यूम सर्चेज है मंथली। तो अब यहाँ कंपटीशन देखो लो है और जो इसमें सीपीसी है अराउंड $1 के अरीब करीब मिला था, $1 तो नहीं मिलेगा एग्जैक्ट, $1 के अरीब करीब मिला क्योंकि इसमें 86.80 आपको हाईएस्ट बिड मिलती है, यानी कि 55 रुपये से लेकर आपको 86 रुपये के बीच में अच्छी खासी इनकम मिल जाएगी पर क्लिक के, अगर आपकी इंगेजमेंट अच्छी है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपकी उसमें इंगेजमेंट है, तो अगर आपके वेबसाइट में लोग आते हैं, स्टे करते हैं, कंटेंट को पढ़ते हैं, तो आपको मिल जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हो इसके रिज़ल्ट देखिए, ओनली 554 रिजल्ट्स हैं इस पर्टिकुलर नीच पे, यानी कि इस पर्टिकुलर जो लैपटॉप है इस पे 554 रिजल्ट्स हैं। तो इसमें रैंक करना बहुत ही इजी होगा, अगर आपकी थोड़ी पुरानी वेबसाइट है तो आप इसमें बहुत ही इजीली रैंक कर सकते हो। बट आई थिंक ये अभी लैपटॉप काम पे नहीं होगा या कुछ होगा इसका जो जिस वजह से यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, जिस वजह से ये इतने सर्चेज में नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये चीज़ सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ अब मैं जो एडवांस लेवल वाली बात कर रहा था वो ये है कि यार यहाँ पर ये देख सकते हैं आप इंक्लूडिंग ब्रांड नेम्स इन रिजल्ट्स। तो इसको अगर आप ऑफ कर देते हैं तो अब आप देखिए आपको जो रिज़ल्ट मिलेंगे उनमें बहुत फ़र्क आ जाएगा। तो आप देखिए बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 2018 देख सकते हैं, ये देखिए एक कीवर्ड लैपटॉप रिपेयर नियर मी, इसमें 100K से लेके 100K तक हैं, सीपीसी भी ठीक है, हाईएस्ट भी ठीक है। तो अब अगर आप इसके रिज़ल्ट देखें तो इसमें देखते हैं मेरे हिसाब से लैक्स में होगा ये, और थाउजेंड्स में है 34,700 रिजल्ट्स हैं। तो आप देखेंगे ना इसके जो रिज़ल्ट हैं, अगर आप मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहा हूँ तो 113,000 रिज़ल्ट हैं, जिसमें अगर आप प्रॉपरली काम करते हो तो यार आप इजीली रैंक हो सकते हो। लेकिन जो गूगल की तरफ से जो रिज़ल्ट है, मैं आपको ये वाला कीवर्ड जो हम सर्च कर रहे थे वो एग्जैक्ट कीवर्ड ये है, अगर हम इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करते हैं जो, तो इसके रिज़ल्ट देखिए 34,700 है। बट आपको ये यूज़ नहीं करना है, आपको यही यूज़ करना है जो ये एग्जैक्ट करेक्ट दिखा रहा है, क्योंकि कई बार ये एरर प्रॉब्लम आ जाती है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो आप वो चीज़ कर सकते हो और आपको रैंकिंग मिल जाएगी क्योंकि इसमें कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लो कंपटीशन। उसके बाद बात कर लेते हैं गेमिंग लैपटॉप अंडर, तो इसको यहाँ पे से थोड़ा सा हम इधर ले लेते हैं, अंडर 1500 जो एक जिसमें रिज़ल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर होगा क्योंकि यार कोई लैपटॉप 1500 के अंडर आता ही नहीं है, ये आपको भी पता है। तो अगर हम इसका रिज़ल्ट देखें कितने लोगों ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 7370 $1500 लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं $1500। तो आप इसे भी एक अपने कीवर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो। और इसमें आप देख सकते हैं सीपीसी ₹16 और ₹51 आपको देखने को मिल जाता है। चलते हैं सबसे हाईएस्ट बिड की तरफ, सबसे हाईएस्ट बिड आपको इसमें कितने तक की देखने को मिल सकती है। तो अगर आप सबसे हाईएस्ट जाते हो तो ₹402 की मिलेगी, जिसमें लैपटॉप है जिसमें सर्चेज कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जिसमें 1000 से 10000 हो कम से कम उसके लिए जाएँ, और यहाँ पर जो कंपटीशन है एटलीस्ट लो करें, या तो फिर अगर आपको लगता है लो नहीं आ, लो में मज़ा नहीं आ रहा, लो में आपको अच्छे खासे कीवर्ड नहीं मिल रहे, तो मीडियम पे जाएं, उससे उसके अलावा और किसी के लिए ना जाएं। तो भी आप देखिए इस वाले कीवर्ड को देखिए, इसकी जो हाई सीपीसी है वो 206 है, रिज़ल्ट है 100 से 1K के बीच में, यानी कि 1000 के बीच में। तो अगर हम इसको सर्च कर लेते हैं यहाँ पर, मैं आपको एक बार इसको सर्च करके भी दिखा देता हूँ, 32,400 आपको यहाँ पर कंपटीशन मिलता है, यानी कि 34,000 लोगों को आप आराम से पिछाड़ सकते हो अगर आप इसमें प्रॉपरली काम करते हो तो। तो आपको देखना पड़ेगा यार ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आपको सर्च करने पड़ेंगे जिनके सीपीसी भी अच्छा खासा हो और आपको रेवेन्यू भी अच्छा देखने को मिल जाए। अगर हम इसमें फिर लो पे आते हैं तो यार लो पे भी आपको बहुत अच्छे खासे विजिट्स मिल, बहुत अच्छे खासे व्यूज़ वाले मिलेंगे। आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए तो आपको जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाले होंगे, यानी कि जिनको जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, वॉल्यूम है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लैपटॉप रिपेयर्स आप देख सकते हैं लो कंपटीशन है, 10,000 से लेके 1,00,000 तक के व्यू इसमें आते हैं।
तो अब आपको करना क्या है, इसको भी चेक कर लेते हैं हम, इसमें रिज़ल्ट देख लेते हैं। इसमें रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं करोड़ों में है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ उनको करेंगे जिनके रिज़ल्ट एटलीस्ट 50 to 80,000 के बीच में या उससे कम है। 80,000 तक भी चलेगा, या ज़्यादा ज़्यादा अगर आपको लगता है बहुत पोटेंशियल है कीवर्ड में तो आप ये यूज़ कर सकते हो कि यार उसको आप ले आ सकते हो मैक्स टू मैक्स 1 लाख तक। 1 लाख से ऊपर के नई वेबसाइट में बिल्कुल भी कंपटीशन मत करो, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट होगा, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप अंडर 60,000, इसमें देखिए सर्चेज हैं 1,000 से 10,000 के बीच में, कंपटीशन है हाई, और आप ये देख सकते हैं CPC, तो इसको भी एक बार सर्च करके देख लेते हैं। फिर हम आगे की बात करेंगे कि आप इसमें थोड़ा सा और एडवांस लेवल में किस तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखेंगे आप रिज़ल्ट देखेंगे 6,850 लोग इस पर आर्टिकल लिख चुके हैं, तो आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर अगर काम करते हैं तो आप भी रैंक कर सकते हैं। तो आपको भी इस पर काम कीजिए यार, अगर आप कर लेंगे तो वो तो आपकी वेबसाइट को बहुत जल्दी प्लस पॉइंट मिलेगा और जल्दी रैंक हो जाएगी। तो इसके बाद बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे की हम बात कर लेते हैं। अब आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है आपकी ऑडियंस इंडिया की नहीं है, सपोज़ आपकी ऑडियंस किसी और कंट्री की, जो मैंने आपको पहले बताया था, तो यहाँ पर आप इंडिया को हटा के उस पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करेंगे। सपोज़ मेरी ऑडियंस है पाकिस्तान की, सपोज़ मेरी ऑडियंस है यूनाइटेड स्टेट की, यूनाइटेड स्टेट्स आगे यहाँ पर, तो इसको कर लेंगे टारगेट। टारगेट करने के बाद हम कर लेते हैं सेव। तो अब जो भी रिज़ल्ट होगा वो मेरे को यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से दिखाएगा, जो वहाँ के लोग सर्च कर रहे होंगे उस अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिज़ल्ट में चेंजेस मिल गए हैं। और अब मैं प्राइसिंग का, आप सोच रहे होंगे अरे रुपीज़ में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे इंडियन रुपीज़ में ही डाला हुआ है, इसलिए ये इसमें आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करता हूँ कंपटीशन की। कंपटीशन में जाओगे तो यार आपको यहाँ से हाई वाले आ गए ऊपर, मैं लो वाले देख लेता हूँ। ये लो वाले कीवर्ड्स आप देख सकते हैं, पिछले वाले उसमें देखोगे तो आपको यार लो में ये कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे। ये तो कंट्री वाइज ये सब चीज़ चेंज होती है, ये मत सोचिएगा कि चेंज नहीं होगी। अभी आप इस लैपटॉप के बारे में देखिए कितना तगड़ा इसका, यहाँ पर देखिए एक क्लिक का आपको मिल सकता है 11,128 रुपये तक आपको इस कीवर्ड पर मिल सकता है, अगर आप इस पर रैंक कर जाते हो तो, अगर आप इस कीवर्ड पे रैंक कर जाते हो। लेकिन आपको इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स में पर्टिकुलरली रैंक होना होगा, तब आपको 11,128 रुपये इसके मिल जाएंगे। तो आप कैसे कमा सकते हो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करके आपको SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखना है। अगर नहीं देखा है तो यार वो वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें भी देख सकते हो। अगर मैं इसको इंडिया में सर्च करके देखता हूँ, तो इंडिया में सर्च कर लेते हैं इसको, तो इसके 6,690 रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप इसे US में सर्च करना चाहते हो, गूगल US करके देख लेते हैं हम। अगर हम इसको गूगल US में सर्च करते हैं, लेट्स सी हमें रिज़ल्ट मिलता है या नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो कितना मिलता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर हम इसको सर्च करते हैं तो वहाँ आप कंपटीशन देख सकते हैं 1,680, सिर्फ 1,600 लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है। तो ये कीवर्ड बहुत ही लो कंपटीशन कीवर्ड है, लेकिन जो इसकी CPC है वो बहुत हाई है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो। अगर आपको पता नहीं है कि यार आपको अपनी वेबसाइट को किस तरीके से US में रैंक कराना है, मैंने एक वीडियो उसके लिए भी बनाई थी, आप उसको भी देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको मिल जाएगा ब्लॉग में किसी पर्टिकुलर कंट्री को किस तरीके से टारगेट करें। तो आपको सिर्फ सर्च करना है यूट्यूब में टारगेट एनी कंट्री शिवा हिंदी टैग, जैसा भी सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। सबसे पहली वीडियो है जो आप देख लोगे तो यार आपको समझ में आ जाएगा, मैंने 5 महीने पहले बनाई थी, और 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट वहाँ रैंक होना शुरू हो जाएगी। तो आपको कैसे करना है इस वीडियो को देख लेना, पूरा कुछ समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं यार, यहाँ पर मैं आपको दिखा चुका हूँ इंडिया के रिज़ल्ट 6,690, US के रिज़ल्ट 1,680, दोनों में बहुत फ़र्क है आप देख सकते हो। अगर आप काम कर लेते हो इसमें तो आपको यार बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, अगर आप वहाँ पर रैंक करवा पाते हो तो आपको वहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, ये हो गया, उसके बाद बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस की। सपोज़ आपको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए काम करना है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस लैंग्वेज के लिए आप पर्टिकुलरली सर्च करना चाहते हैं। सपोज़ मैं हिंदी सर्च कर लेता हूँ, हिंदी से रिलेटेड दिखा देगा कि कितना CPC, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब देख सकते हो यार यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा है, तो यहाँ पर अब देख सकते हैं लैपटॉप कंप्यूटर, मेरे को यहाँ पर से हिंदी में सर्च करना पड़ेगा, तो मैं इसे सर्च कर लेता हूँ गेट रिजल्ट्स।
अब देख सकते हैं लैपटॉप कंप्यूटर, लेकिन हिंदी में यहाँ पर कोई भी रैंकिंग नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर सर्च कर लेता हूँ या इन दोनों को अलग अलग सर्च कर लेते हैं। अब कर लेते हैं गेट रिजल्ट्स। तो आप देखेंगे यार यहाँ पर कीवर्ड्स तो आपके आ गए हैं, लेकिन कोई भी हमें यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लो कंपटीशन, मीडियम, लो मीडियम को मिल गए। लेकिन अगर मैं सीपीसी की बात करता हूँ तो यार मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कोई भी सीपीसी मिल रही है, क्योंकि लोग इसमें भी कोई एडवर्टीज़मेंट ही नहीं करता है। अभी हिंदी में बहुत ही कम प्रोडक्ट होंगे जिनमें एडवर्टीज़मेंट किया जाता है, तो यहाँ पर से आपके लिए एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो बेटर ये कि यार इंग्लिश में करो फिलहाल के लिए। और अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट चीज़ की। तो नेक्स्ट चीज़ आती है सर्च नेटवर्क्स। आप कहाँ ये चीज़ सर्च करना चाहते हो, गूगल और गूगल के सर्च पार्टनर्स में। अगर आप सर्च पार्टनर्स भी कर देते हो तो उसमें जो उसके सर्च पार्टनर्स है वहाँ से भी आपको ये रिज़ल्ट दिखाएगा, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो ये हो गया मैंने जो आपको बताना था, मैंने आपको ये चीज़ें मेन चीज़ें इसके बारे में बता चुका हूँ। तो अब ये चीज़ हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका जो तो मेन चीज़ मैं आपको इसकी बता चुका हूँ कि आपको किस किस तरीके से कैसे कैसे करके ये चीज़ करनी है। तो यार ये सब चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ आपको कि गूगल की वर्ड प्लानर किस तरीके से काम करता है, और आपको इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे किस तरीके से काम करना है। और नेक्स्ट चीज़ की बात करता हूँ तो यार आज मैं आपको ये भी चीज़ बता चुका हूँ कि आपको इसमें कैसे कीवर्ड की जो डेंसिटी होती है यानी कि उसमें वॉल्यूम है किस तरीके से पता चलेगा। और मैं ये भी बता चुका हूँ आपको उसमें सीपीसी का, ये सब चीज़ें मैं आज आपको क्लियर ऑलरेडी कर चुका हूँ। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो एक बनाई थी उसमें भी ये चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी कवर की थी, आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार ये टूल में आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो आप जा सकते हो ARF टूल के लिए। ARF टूल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि वो बेस्ट है तो आप उसके लिए भी जा सकते हो, भले वो है बेस्ट और उसमें पेड है। बेसिकली उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और अलग से देखने को मिला जो उसका एक एडवांस फीचर है। तो इस वीडियो में यही सब कुछ था जो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। आपको अगर वीडियो ये पसंद तो कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।